नीट। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वो न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में कैसे होती है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है और प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन, जो कि मिनेसोटा अप्रैल 1911 में बॉर्न हुए थे और उन्होंने अपनी पीएचडी इन केमिस्ट्री डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से की। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर रहे। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग हुई, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के इल इफेक्ट्स देखे, तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को बेनिफिशियल यूज के लिए अपने को वर्कर्स के साथ वर्क शुरू किया। उसको करने के लिए उन्होंने जे एस बसहम के साथ रिएक्शंस को स्टडी किया ग्रीन प्लांट्स पर, शुगर फॉर्मेशन के लिए जो के रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से बनती थी। उसके बाद उन्होंने कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस पर मैपिंग ऑफ द पाथवे किया और नोबेल प्राइज लिया 1961 में। तो जो उन्होंने उस समय प्रिंसिपल जो फोटोसिंथेसिस बनाए थे, वो आज की स्टडीज में रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी और मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और सोलर एनर्जी रिसर्च के लिए बेसिक स्टडीज का पैटर्न माना जाता है।